सामने मत आ, सामने मत आ। गीला कर ले। नाक नाक नाक। छोड़ दे। चल प्लीज टिक दबाए। हटी जाओ तो हटी जाओ, हटी जाओ, हटी जाओ, हटी जाओ। अला हटो लाओ चुपे। कहाँ पर क्रोकोडाइल पाया गया था, किस प्रकार का आपने रेस्क्यू किया और क्या कहना? जी, ये क्रोकोडाइल हरणी गांव के पास एक विरोध करके गांव है, वहाँ पर सुबह मुझे 11 बजे एक खेत में काम कर काम जो गांव गांव का मेंबर था उसका कॉल आया कि मुझे एक क्रोकोडाइल दिखा है, खेत के अंदर है, 10 फीट बड़ा क्रोकोडाइल था और उसके पैर में इंजरी है, ऐसा उसने एक बेसिक हमको बताया। तुरंत हम 10 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच गए और उस क्रोकोडाइल को विद इन 1 आवर्स के अंदर हमने उसको रेस्क्यू करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में दे दिया था। कितने फीट का था और कैसे दिक्कतें का सामना करना था? जी, ये 10 फीट बड़ा क्रोकोडाइल था और उसके पैर में लगी थी, इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन फिर भी उसका जो क्रोकोडाइल का जो बिहेवियर रहता है वो काफ़ी गुस्से वाला रहता है, इसकी वजह से हमको इजीली हमने तो रेस्क्यू कर लिया है और उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में दे दिया। अभी देखते हैं कि उसके पैर का इलाज क्या होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, वही देखना है हमें बस।